नमस्ते दोस्तों, पिछले वाले वीडियो में हमने स्टेयरकेस की डिजाइन देखी, फुटिंग की डिजाइन देखी, कॉलम की डिजाइन देखी और बीम की डिजाइन देखी। आज हम देखेंगे सिंपली सपोर्टेड स्लैब की डिजाइन। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, डिजाइन ऑफ सिंपली सपोर्टेड स्लैब विद चिपिया बार। स्लैब के एंड में चिपिया बार और बेंट अप बार, दो टाइप के बार प्रोवाइड किए हुए होते हैं। यह है चिपिया बार जो यहां से थ्रू आउट होके यहां बेंट होगा, और यह है बेंट अप बार जो यहां से थ्रू आउट जाके यहां बेंट होगा। ये दो टाइप के बार्स स्लैब में प्रोवाइड किए जाते हैं। स्लैब की किस कंडीशन में चिपिया बार प्रोवाइड किया जाता है और स्लैब की किस कंडीशन में बेंट अप बार प्रोवाइड किया जाता है वो आज हम जानेंगे, और आज हम चिपिया बार की डिजाइन करेंगे। डिजाइन ए सिंपली सपोर्टेड स्लैब ऑन 230 mm वाइड ब्रिक मेसनरी फॉर ए क्लियर रूम साइज 3 मीटर बाय 7 मीटर। टेक लाइव लोड एस 2 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड फ्लोर फिनिश 1 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। Use M20 concrete mix and Fy415S steel as reinforcement. तो यहां हमें क्लियर रूम साइज दिया हुआ है 3 मीटर बाय 7 मीटर का। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट यानी कि FC के है 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर। यील्ड स्ट्रेंथ यानी कि Fy है 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर। यहां हम लॉन्गर स्पान और शॉर्टर स्पान का रेशियो निकालेंगे तो वो होगा 2.33 जो 2 से ज्यादा है, यानी कि ये स्लैब हमारी वन वे स्लैब है। अगर Ly by Lx यानी कि लॉन्गर स्पैन और शॉर्टर स्पैन का रेशियो 2 से कम होता तो वो टू वे स्लैब होती। यहां हमारी स्लैब है वन वे स्लैब। यहां हमारा लॉन्गर स्पैन बाय शॉर्टर स्पैन का रेशियो 2.33 आ रहा है, यानी कि डिजाइन दी स्लैब एस वन वे सिंपली सपोर्टेड स्लैब। सबसे पहले हम इफेक्टिव डेप्थ निकालेंगे। यहां हम कंसीडर करते हैं शॉर्टर स्पैन एस एल। शॉर्टर स्पैन की लेंथ है 3 मीटर यानी कि 3000 mm। सिंपली सपोर्टेड स्लैब है इसीलिए स्पैन बाय इफेक्टिव डेप्थ का रेशियो 20 मल्टीप्लाइड बाय मॉडिफिकेशन फैक्टर होगा जो हमें IS 456-2000 में पेज नंबर 37 और 38 से मिलेगा। हम अज्यूम करते हैं 0.6% स्टील। मिनिमम रेनफोर्समेंट हमें IS 456-2000 में पेज नंबर 48 में क्लोज नंबर 26.5.2.1 में मिनिमम रेनफोर्समेंट कितना लेना है वो दिया हुआ है। मिनिमम रेनफोर्समेंट हम 0.12% हाई स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार के लिए और 0.15% माइल्ड स्टील के लिए लेना होगा। तो यहां हमने 0.6% स्टील अज्यूम किया है। Fy है 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर। Fs की वैल्यू हमें 0.58 मल्टीप्लाइड बाय Fy करेंगे तो हमें Fs की वैल्यू मिलेगी, यानी कि 0.58 मल्टीप्लाइड बाय हम 415 करेंगे तो हमें 240 न्यूटन पर mm स्क्वायर Fs मिलेगा। अब हम IS 456-2000 में पेज नंबर 38 में फिगर नंबर 4 देखेंगे। इस फिगर में परसेंटेज ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट 0.6 है और Fs का कर्व हमें 240 का देखना है तो हमें मॉडिफिकेशन फैक्टर मिलेगा 1.15। तो L बाय D का रेशियो होगा 20 मल्टीप्लाइड बाय मॉडिफिकेशन फैक्टर जो हमने फाइंड किया 1.15। स्पैन है 3000 mm तो हमें इफेक्टिव डेप्थ मिलेगी 130.43 mm। हम 130 mm से थोड़ा ज्यादा यानी कि 150 mm प्रोवाइड करेंगे। हम अज्यूम करते हैं 10 mm डाया बार्स। यह है सिंपली सपोर्टेड स्लैब का क्रॉस सेक्शन।
आप इस क्रॉस सेक्शन से समझ सकते हो, यह है ओवरऑल डेप्थ और यह है मेन बार। इफेक्टिव डेप्थ होता है ओवरऑल डेप्थ माइनस इफेक्टिव कवर, और इफेक्टिव कवर होता है रेइनफोर्समेंट बार के सेंटर से लेके एक्सट्रीम एज ऑफ द मेंबर। यानी कि इफेक्टिव कवर होगा मेन बार का सेंटर, यानी कि मेन बार डिवाइड बाय टू करेंगे प्लस क्लियर कवर करेंगे तो हमें इफेक्टिव कवर मिलेगा। यानी कि इफेक्टिव डेप्थ होगा ओवरऑल डेप्थ माइनस मेन बार डिवाइड बाय टू प्लस क्लियर कवर। इफेक्टिव कवर मेन बार के सेंटर से ही लिया जाता है क्योंकि मेन बार एटमॉस्फेयर के ज्यादा नजदीक होता है। तो यहाँ हमारे पास इफेक्टिव डेप्थ है और ओवरऑल डेप्थ हमें फाइंड करना है, तो ओवरऑल डेप्थ होगी इफेक्टिव डेप्थ प्लस इफेक्टिव कवर। तो यही हमने किया है, ओवरऑल डेप्थ इज इक्वल टू इफेक्टिव डेप्थ प्लस हाफ द डाया ऑफ द बार प्लस क्लियर कवर। यहाँ क्लियर कवर हमने 20 mm अज्यूम किया है, तो ओवरऑल डेप्थ होगी 175 mm। अब हम इफेक्टिव स्पैन फाइंड करेंगे, बीम और स्लैब की किस कंडीशन में इफेक्टिव स्पैन कैसे निकालना है उस पर मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, उसमें मैंने डिटेल्स में समझाया हुआ है। उस वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, तो आप वहां से जाके वो वीडियो जरूर देखें। यहाँ सिंपली सपोर्टेड स्लैब है। इफेक्टिव स्पैन हमें IS 456 2000 में पेज नंबर 34 में क्लोज नंबर 22.2.A से मिलेगा, जो सिंपली सपोर्टेड स्लैब के लिए है। उसमें इफेक्टिव स्पैन की दो कंडीशन दी हुई है, फर्स्ट है क्लियर स्पैन प्लस इफेक्टिव डेप्थ और सेकंड है सेंटर टू सेंटर ऑफ सपोर्ट्स। क्लियर स्पैन है हमारा 3000 mm प्लस इफेक्टिव डेप्थ हमने निकाला 150 mm, तो हमें वैल्यू मिलेगी 3150 mm। और दूसरी कंडीशन है सेंटर टू सेंटर ऑफ सपोर्ट्स, सपोर्ट हमें 230 mm दिया हुआ है, यानी कि सेंटर टू सेंटर ऑफ सपोर्ट्स होगा 3230 mm। इन दो कंडीशन में से हमारी स्मॉलर वैल्यू है 3150 mm, यानी कि इफेक्टिव स्पैन होगा 3150 mm। अब हम लोड कैलकुलेशंस करेंगे। सबसे पहले हम डेड लोड ऑफ स्लैब निकालते हैं। ओवरऑल डेप्थ ऑफ स्लैब हमने निकाली 175 mm, यानी कि 0.175 मीटर मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी ऑफ कंक्रीट है 25 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब, और हम 1 मीटर के लिए निकाल रहे हैं, तो डेड लोड ऑफ स्लैब होगा 4.375 किलोन्यूटन पर मीटर। फ्लोर फिनिश लोड हमें दिया हुआ है 1 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो फ्लोर फिनिश लोड होगा 1 किलोन्यूटन पर मीटर, और लाइव लोड हमें दिया हुआ है 2, तो टोटल लोड होगा 7.375 किलोन्यूटन पर मीटर। उसे फैक्टर करेंगे, यानी कि 1.5 से मल्टीप्लाइड करेंगे, तो हमें डिजाइन लोड मिलेगा 11.06 किलोन्यूटन पर मीटर। अब हम बेंडिंग मोमेंट फाइंड करेंगे। सिंपली सपोर्टेड स्लैब है, इसीलिए बेंडिंग मोमेंट होगी WL2/8। बीम और स्लैब की किस कंडीशन के लिए बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स क्या होगा उस पर भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, उसमें मोस्ट यूजफुल 5 बेंडिंग मोमेंट्स और शियर फोर्स डायग्राम दिए हुए हैं। उस वीडियो की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, तो आप वो वीडियो भी जरूर देखें। W यानी कि डिजाइन लोड हमने फाइंड किया 11.06 मल्टीप्लाइड बाय इफेक्टिव लेंथ हमने फाइंड की थी 3150 mm। यहाँ mm को मीटर में कन्वर्ट किया हुआ है, इसीलिए 3.15 होगा डिवाइड बाय 8, तो हमें मोमेंट मिलेगी 13.72 किलो न्यूटन इंटू मीटर। अब हम इफेक्टिव डेप्थ फॉर फ्लेक्सर करते हैं।
SP16 में पेज नंबर 10 में टेबल नंबर सी में Fe415 के लिए मोमेंट होगी 0.138 Fck इनटू BD स्क्वायर। मोमेंट हमने फाइंड की 13.72 किलो न्यूटन इनटू मीटर। यहां किलो न्यूटन इनटू मीटर को न्यूटन इनटू mm में कन्वर्ट किया हुआ है, इसीलिए 10^6 किया हुआ है इज इक्वल टू 0.138 मल्टीप्लाइड बाय Fck यानी कि 20 मल्टीप्लाइड बाय 1000 इनटू मल्टीप्लाइड बाय डी स्क्वायर। तो हमें इफेक्टिव डेप्थ मिलेगी 70.50 mm जो रिक्वायर्ड इफेक्टिव डेप्थ है, पर हमने प्रोवाइड की है इफेक्टिव डेप्थ 150 mm यानी कि रिक्वायर्ड इफेक्टिव डेप्थ से हमने प्रोवाइड इफेक्टिव डेप्थ ज्यादा की है यानी कि वैल्यू ओके है। अब हम मेन स्टील फाइंड करते हैं। सबसे पहले हमें परसेंटेज ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट यानी कि पीटी फाइंड करना होगा। पीटी हम दो तरीके से फाइंड कर सकते हैं, पहला है SP16 की मदद से और दूसरा है पीटी इज इक्वल टू 50 मल्टीप्लाइड बाय Fck डिवाइड बाय Fy इनटू 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4.6 mu डिवाइड बाय Fck इनटू BD स्क्वायर से। पर यहां हम SP16 की मदद से करेंगे। SP16 की मदद से हम परसेंटेज ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट यानी कि पीटी जल्द ही निकाल सकते हैं, इसीलिए हम SP16 की मदद से परसेंटेज ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट निकालेंगे। SP16 में पेज नंबर 48 में टेबल नंबर 2 से हम परसेंटेज ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट फाइंड करेंगे। पीटी फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें mu by bd square की वैल्यू चाहिए। मोमेंट हमने फाइंड किया था 13.72 किलो न्यूटन इनटू मीटर। किलो न्यूटन इनटू मीटर को न्यूटन इनटू mm में कन्वर्ट किया है, इसीलिए 10^6 किया हुआ है डिवाइड बाय 1000 मल्टीप्लाइड बाय इफेक्टिव डेप्थ जो हमने फाइंड की है 150 mm। तो हमें mu by bd square की वैल्यू मिलेगी 0.61। SP16 में टेबल नंबर 2 में हम mu by bd square की वैल्यू 0.60 से लेके 0.65 के बीच में देखेंगे क्योंकि हमारी वैल्यू आ रही है 0.61 और Fy है 415, इसीलिए परसेंटेज ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट यानी कि PT की वैल्यू होगी 0.172 और 0.187 के बीच में। तो हम डिफरेंस निकालेंगे तो हमें परसेंटेज ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट यानी कि पीटी की वैल्यू मिलेगी 0.175%। तो एरिया ऑफ स्टील होगा पीटी बाय 100 इनटू बी इनटू इफेक्टिव डेप्थ यानी कि 0.175 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 1000 मल्टीप्लाइड बाय 150। तो हमें एरिया ऑफ स्टील मिलेगा 262.5 mm square। हम कंसीडर करते हैं 10 mm डाया बार्स का, तो 10 mm डाया बार्स का एरिया ऑफ स्टील होगा पाई बाय 4 इनटू डी स्क्वायर यानी कि 78.53 mm square। स्पेसिंग होगा स्मॉल एएसटी डिवाइड बाय कैपिटल एएसटी मल्टीप्लाइड बाय 1000। स्मॉल एएसटी हमने फाइंड किया 78.53, कैपिटल एएसटी हमने फाइंड किया 262.5 mm square यानी कि स्पेसिंग होगी 299.16 mm। एरिया ऑफ स्टील की मदद से स्पेसिंग हम कैसे निकालेंगे उस पर भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। उसमें मैंने आप कैसे कुछ ही सेकंड में स्पेसिंग निकाल सकते हो वो बताया हुआ है। तो यहाँ हम प्रोवाइड करेंगे 290 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग, तो एरिया ऑफ स्टील होगा 270.79 mm square यानी कि हम प्रोवाइड करेंगे 10 mm डाया बार्स का और 290 mm सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस और उसका एरिया ऑफ स्टील होगा 271 mm square। एरिया ऑफ स्टील की मदद से हम फाइंड कर सकते हैं कि हमें चिप या बार प्रोवाइड करना है या फिर
बेंट अप बार प्रोवाइड करना है। अगर 50% एरिया ऑफ स्टील मिनिमम एरिया ऑफ स्टील से कम होगा तो हम चिपिया बार प्रोवाइड करेंगे, और एरिया ऑफ स्टील का 50% मिनिमम एरिया ऑफ स्टील से ज्यादा होगा तो हम बेंट अप बार प्रोवाइड करेंगे। यहां हमारा एरिया ऑफ स्टील है 271 mm square, उसका 50% होगा 135.5 mm square। मिनिमम एरिया ऑफ स्टील हमें 0.12% प्रोवाइड करना है फॉर हाई स्ट्रेंथ रिफॉर्म्ड बार के लिए, तो मिनिमम एरिया ऑफ स्टील होगा 0.12 / 100 × 1000 × ओवरऑल डेप्थ जो है 175 mm। तो मिनिमम एरिया ऑफ स्टील होगा 210 mm square जो 135.5 mm से ज्यादा है, यानी कि हम बेंट अप बार प्रोवाइड नहीं कर सकते, इसीलिए हम प्रोवाइड करेंगे चिपिया बार। प्रोवाइड स्टील इन द फॉर्म ऑफ चिपिया। मेन स्टील हमने फाइंड कर लिया, अब हम फाइंड करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन स्टील। मिनिमम स्टील हमें कितना प्रोवाइड करना है वो हमें IS 456/2000 में पेज नंबर 48 में क्लोज नंबर 26.5.2.1 में दिया हुआ है, जो है 0.12% फॉर हाई स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार के लिए। तो एरिया ऑफ स्टील होगा 0.12 / 100 × 1000 × ओवरऑल डेप्थ यानी कि 175 mm। तो एरिया ऑफ स्टील होगा 210 mm square। हम कंसीडर करते हैं 8 mm डाया बार्स का, तो 8 mm डाया बार्स का एरिया ऑफ स्टील होगा π/4 × 8 square, तो हमें वैल्यू मिलेगी 50.26 mm square। तो स्पेसिंग होगी स्मॉल AST डिवाइड बाय कैपिटल AST मल्टीप्लाइड बाय 1000 करेंगे। स्मॉल AST है 50.26, कैपिटल AST यानी कि एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन स्टील है 210 mm square, तो स्पेसिंग मिलेगी 239.33 mm। हम प्रोवाइड करेंगे 230 mm सेंटर टू सेंटर, तो एरिया ऑफ स्टील होगा 218.52 mm square यानी कि हम डिस्ट्रीब्यूशन बार प्रोवाइड करेंगे 8 mm डाया बार्स 230 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग, और उसका एरिया ऑफ स्टील होगा 219 mm square। अब हम चेक फॉर क्रैकिंग करेंगे, जो हमें IS 456/2000 में पेज नंबर 46 में क्लोज नंबर 26.3.3b से मिलेगा। उसमें दो कंडीशन दी हुई है, पहली है मेन स्टील के लिए जो है 3 × इफेक्टिव डेप्थ, और दूसरी है 300 mm। यानी कि इन दो कंडीशन में से जो हमारी स्मॉलर वैल्यू होगी उससे ज्यादा हमें स्पेसिंग प्रोवाइड नहीं करना है। तो यहाँ मेन स्टील के लिए इन दो कंडीशन में से हमारी स्मॉलर वैल्यू है 300 mm, और हमने मेन बार प्रोवाइड किया था 10 mm डाया बार्स का और 290 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग, यानी कि 290 mm 300 mm से कम है, यानी कि वैल्यू हमारी ओके है। अब डिस्ट्रीब्यूशन स्टील की कंडीशन चेक करते हैं, उसमें फर्स्ट कंडीशन है 5 × इफेक्टिव डेप्थ और सेकंड कंडीशन है 450 mm। इन दो कंडीशन में से हमारी स्मॉलर वैल्यू है 450 mm, और हमने प्रोवाइड किया है 8 mm डाया बार्स का और 230 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग, यानी कि हमारी स्पेसिंग 230 mm 450 mm से कम है, यानी कि वैल्यू ओके है। अब हम चेक फॉर डिफ्लेक्शन करते हैं, अलाउबल स्पैन बाय इफेक्टिव डेप्थ का रेशियो होगा 20 × मॉडिफिकेशन फैक्टर, क्योंकि हमारा सिंपली सपोर्टेड स्लैब है। मॉडिफिकेशन फैक्टर हम IS 456/2000 में पेज नंबर 38 में फिगर नंबर 4 से निकालेंगे। उसके लिए सबसे पहले हमें परसेंटेज ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट यानी कि PT फाइंड करना होगा।
एरिया ऑफ स्टील होता है पीटी बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय बी इनटू इफेक्टिव डेप्थ। तो इस फॉर्मूले की मदद से परसेंटेज ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट होगा 100 मल्टीप्लाइड बाय एएसटी डिवाइड बाय बी इनटू डी। एरिया ऑफ स्टील हमारा था 271 एमएम स्क्वायर और इफेक्टिव डेप्थ है 150 एमएम। तो परसेंटेज ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट होगा 0.181% और एफएस होगा 0.58 मल्टीप्लाइड बाय 415 करेंगे तो हमें एफएस की वैल्यू मिलेगी 240। तो हम फिगर नंबर 4 में 240 का कर्व देखेंगे तो 0.181% ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट के लिए मॉडिफिकेशन फैक्टर हमें मिलेगा 1.8। तो अलाउबल एल बाय डी का रेशियो होगा 20 मल्टीप्लाइड बाय मॉडिफिकेशन फैक्टर जो हमने फाइंड किया 1.8। तो हमें अलाउबल एल बाय डी की वैल्यू मिलेगी 36 और एक्चुअल एल बाय डी की वैल्यू है 21 क्योंकि इफेक्टिव डेप्थ है 3150 डिवाइड बाय इफेक्टिव डेप्थ है 150 यानी कि अलाउबल एल बाय डी की वैल्यू एक्चुअल एल बाय डी की वैल्यू से ज्यादा है यानी कि वैल्यू ओके है। अब हम चेक फॉर डेवलपमेंट लेंथ करते हैं जो हमें आईएस 456 2000 में पेज नंबर 44 से मिलेगा। उसमें एक कंडीशन दी हुई है जो है डेवलपमेंट लेंथ इज लेस देन और इक्वल टू 1.3 मल्टीप्लाइड बाय m1 बाय v प्लस l0 और l0 फाइंड करने के लिए दो कंडीशन दी हुई है। फर्स्ट है इफेक्टिव डेप्थ, सेकंड कंडीशन है 12 इंटू डाया। डाया ऑफ बार है 10 mm, तो 12 इंटू 10 करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी 120 mm और इफेक्टिव डेप्थ है 150 mm। इन दो कंडीशन में से लार्जर वैल्यू हमारी होगी 150 mm यानी कि L0 की वैल्यू हमें मिलेगी 150 mm। सिंपली सपोर्टेड स्लैब है इसीलिए शियर फोर्स होगा WL बाय 2। W यानी कि डिजाइन लोड हमने फाइंड किया था 11.06 मल्टीप्लाइड बाय स्पैन है 3 मीटर का डिवाइड बाय 2 तो हमें शियर फोर्स मिलेगा 16.59 किलो न्यूटन। एरिया ऑफ बार है 271 एमएम स्क्वायर, हमें शियर फोर्स मिल गया। अब हम मोमेंट फाइंड करेंगे। मोमेंट हम आईएस 456 2000 में पेज नंबर 96 से निकालेंगे यानी कि मोमेंट होगी 0.87 इंटू एफ वाई इंटू एएसटी इंटू डी मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस एफ वाई इंटू एएसटी डिवाइड बाय एफ सी के इंटू बीडी। तो यहां सभी वैल्यू हम पुट करेंगे। एएसटी है 271 एमएम स्क्वायर। अगर बेंट अप बार होता तो यहां हम एरिया ऑफ स्टील 50% लेते, यहां चिपिया बार प्रोवाइड किया है इसीलिए एरिया ऑफ स्टील हम पूरा लेंगे। तो इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो हमें मोमेंट मिलेगी 14.13 इंटू 10^6 न्यूटन इंटू एमएम। तो हम इस कंडीशन में मोमेंट और शियर फोर्स पुट करेंगे प्लस L0 पुट करेंगे तो हमें डेवलपमेंट लेंथ मिलेगी 1257.23 mm। डेवलपमेंट लेंथ IS 456 2000 और SP16 की मदद से कैसे फाइंड करना है उस पर भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। हम SP16 की मदद से फाइंड करेंगे क्योंकि SP16 से हम कुछ ही सेकंड में डेवलपमेंट लेंथ फाइंड कर सकते हैं। तो SP16 में पेज नंबर 184 में टेबल नंबर 65 से हम डेवलपमेंट लेंथ फाइंड करेंगे। यहाँ M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट है और Fe415 स्टील है और 10 mm डाया ऑफ बार है टेंशन में। तो डेवलपमेंट लेंथ होगा 470 mm जो 1257.23 mm से कम है यानी कि डेवलपमेंट लेंथ ओके है। अब हम चेक फॉर शियर करते हैं। नॉमिनल शियर स्ट्रेस
यानी कि टाउ वी हमें आईएस 456 2000 में पेज नंबर 72 में क्लोज नंबर 40.1 से मिलेगा, जो है टाउ वी इज इक्वल टू वी यू डिवाइड बाय बी इनटू डी। वी यू यानी कि शियर फोर्स ड्यू टू डिजाइन लोड, जो हमने आगे फाइंड किया 16.59 किलो न्यूटन। यहां किलो न्यूटन को न्यूटन इनटू एमएम में कन्वर्ट किया है, इसीलिए 10^3 किया हुआ है। डिवाइड बाय 1000 मल्टीप्लाइड बाय 150 जो इफेक्टिव डेप्थ है, तो हमें टाउ वी की वैल्यू मिलेगी 0.111 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। सपोर्ट पर बेंट अप बार प्रोवाइड नहीं है, इसीलिए फुल एरिया ऑफ स्टील लेंगे। अगर बेंट अप बार होता तो एरिया ऑफ स्टील का 50% लेते हम, क्योंकि बेंट अप बार इस तरह से होता है और चिपिया बार यहां से लेके यहां तक होता है, यानी कि फुल एरिया ऑफ स्टील चिपिया बार में हम लेते हैं, तो परसेंटेज ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट होगा 100 मल्टीप्लाइड बाय AST डिवाइड बाय B इनटू इफेक्टिव डेप्थ। एरिया ऑफ स्टील है 271, इफेक्टिव डेप्थ है 150, तो हमें परसेंटेज ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट मिलेगा 0.181%। डिजाइन शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट यानी कि टाउ सी हमें IS 456 2000 पेज नंबर 73 में टेबल नंबर 19 से मिलेगा। यहां 100 मल्टीप्लाइड बाय AST डिवाइड बाय B इनटू D की वैल्यू हमने फाइंड की 0.181। ग्रेड ऑफ कंक्रीट है हमारा M20, तो हमें टाउ सी की वैल्यू मिलेगी 0.28 और 0.36 के बीच में, क्योंकि हमारा परसेंटेज ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट है 0.181 यानी कि 0.15 और 0.25 के बीच में, तो हम डिफरेंस निकालेंगे तो हमें टाउ सी की वैल्यू मिलेगी 0.305 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। सॉलिड स्लैब के लिए डिजाइन शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट होगा टाउ सी मल्टीप्लाइड बाय के, जो हमें आईएस 456 2000 में पेज नंबर 72 में क्लोज नंबर 40.2 में दिया हुआ है। यहां के की वैल्यू हमें इस टेबल से मिलेगी, जहां ओवरऑल डेप्थ ऑफ स्लैब है हमारी 175 mm, इसलिए के की वैल्यू होगी हमारी 1.25। तो टाउ सी डेस की वैल्यू होगी के इनटू टाउ सी यानी कि 1.25 मल्टीप्लाइड बाय 0.305 यानी कि 0.38 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। यहां नॉमिनल शियर स्ट्रेस टाउ वी की वैल्यू डिजाइन शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट से कम है, यानी कि वैल्यू हमारी ओके है। सभी चेक्स हमने देख लिए, अब हम स्लैब की डिटेलिंग्स देखते हैं। यह है क्रॉस सेक्शन ऑफ सिंपली सपोर्टेड स्लैब, यहां हमने चिपिया प्रोवाइड किया हुआ है। यह है मेन बार जो है 10 mm डाया बार्स और 290 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग, और यह है डिस्ट्रीब्यूशन बार जो हमने 8 mm डाया बार्स और 230 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग पे प्रोवाइड किया हुआ है। क्लियर स्पेन है 3000 mm और इफेक्टिव स्पेन हमने फाइंड किया था 350 mm और सपोर्ट था 230 mm। चिपिया हम सपोर्ट के सेंटर से लेके 0.15 × L तक प्रोवाइड करते हैं। तो यही था आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं की है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, और वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब मुझे और अच्छे वीडियो बनाने का हौसला देता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।